भाई केले के गुच्छे काट। ओ भाई क्या बताऊं, ऑलमोस्ट भाई तिरपाल अपना हो गया। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 4। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो आई होप आप सब ठीक होगे। तो आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज का टाइम कुछ ऐसा है, देखो मैं अपनी गाड़ी में जो गत्ता लोड किया था लास्ट ब्लॉग में, गत्ता हो रहा है आधा अनलोड, दो गाड़ियों का। तो अपनी गाड़ी का गत्ता अपनी गाड़ी में रहेगा, फिर यहाँ से हम निकलेंगे आगे खेतों की तरफ, आज जाएंगे खेतों के बीच बाग पे करेंगे गाड़ी लोड। तय हो गया अनलोड, अब यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं भाई आगे कहाँ पे लेके जाएंगे। क्यों भाई कहाँ लेके जाओगे? बेंगलोर। अभी हो रहा है गाड़ी का कांटा, सब लेबर नीचे उतर रही है, पूरा वेट होगा गाड़ी का, उसके बाद यहाँ से गाड़ी जाएगी। दूसरी गाड़ी वो खड़ी है छोटे वाली जिसमें बाकी लेबर बैठी हुई है, यहाँ से जाएंगे बाकी वाली से पता नहीं कितने दूर जाएंगे। 20 किलोमीटर बोला है, 20-25 किलोमीटर एरिए में जाएंगे सीधा गाँव में, मस्त मस्त व्यू आएगा। अभी चल रहे हैं कंटिन्यू और 8 बज गए हैं, 8:30। तो अभी छोटे से एक बॉर्डर पड़ी, हम अभी मतलब जो ये जगह है आगे कर्नाटका, फिर से शोलापुर के साथ ही है, थोड़ा 20-35 किलोमीटर हम आए तो अभी पहुंच गए कर्नाटका में। भाई रास्ता बिल्कुल सिंगल सिंगल सा, देखते हैं गाड़ी कहाँ से लोड करवाएंगे। अब जा रहे हैं बाइक लेके भाई आगे, गाड़ी और गई आगे, पहुँचे हम भी जल्दी जल्दी फिर लोड करें। पहुँच के भाई यहाँ से लोड करनी है गाँव में, बड़ा टाइट जहाँ से आए हम, यहाँ से रिवर्स जा रहे हैं, वो पीछे लेबर यहाँ से पूरा अंदर जाना है। एक तो पेड़ हैं, तारे हैं, बड़े आराम से अभी पेड़ कटवाने पड़ेंगे क्योंकि गाड़ी की थोड़ी हाइट हो जाएगी 2-3 फीट ना, तो पेड़ वो कह रहे हैं काटेंगे। अब यहाँ से और गाड़ी जाएगी रिवर्स, वहाँ लगेगी पता नहीं खेत, अभी तक मेरे को भाई मिले नहीं सच में। तो भाई तिरपाल ऊपर से खोल दिया, अभी रस्सा नहीं खोला क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, जब गाड़ी यहाँ तक लोड हो जाएगी है मतलब। हाँ तो भाई अभी ये है, देखो ये आ गया, इसे बनाना लोड होगा, ये बॉक्स आ गया, यहाँ से नीचे उतरेंगे इसमें केला पूरा लोड होगा, हाइट हो जाएगी भाई थोड़ी ऊपर तक, पीछे पेड़ है भाई बहुत ज़्यादा यार, उसकी वजह से देखो यहाँ पे भी देखो फूल भी पेड़ों पे खोल रखा है ना, पूरा जगह नहीं है यहाँ पे, बस अब हो एक बार जल्दी जल्दी लोड तो फिर निकलेंगे। अभी जाता हूँ मैं इसके बाद, थोड़ा खेत दूर है वहाँ से, ट्रैक्टर पर आएगा, छोटे ट्रैक्टर पर माल आएगा या टेम्पो में आएगा, जो अपनी हमारे साथ दूसरी गाड़ी है उस पर आएगा, पता नहीं किस पर आएगा, उन्होंने बोला यहीं गाड़ी खोल दो क्योंकि यहाँ से पीछे जा भी नहीं सकती, और यहाँ पे इस टाइट गांव पे आई है अभी ना, अब जाएंगे खेत पे। तो गाड़ी यहाँ पे लग गई है, तिरपाल हमने ऊपर से खोल दिया, सिर्फ अभी वो रस्सा नहीं खोला आपको दिखाया जैसे, तो वहाँ से हम साइड में लगा दी क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ आगे से आ रही थी, परेशानी कर रही थी। तो अब जो बॉक्सेस हैं जिसमें केला लोड होगा वो हो रहे हैं, इस गाड़ी पे लोड ये जाएगी आगे खेत में, वहाँ से इस पे पहले बॉक्स पूरे होंगे, ये आके इस पे शिफ्ट करेगी, 15-5 चक्कर लगाएगी ये जिसमें ट्रैक्टर भी। अभी भाई रुकेंगे गाड़ी पे, नेक्स्ट चक्कर भाई जाएंगे, अब इस चक्कर से मैं जाऊंगा गाड़ी के साथ, मैं भी जाके दिखाता हूँ आपको केले का बाग कैसे हैं, कैसे केला कटता है, ऐसा कुछ गाऊँ। अभी जा रहे हैं हम दूसरी गाड़ी पे खेत की तरफ, देखते हैं खेत कहाँ पे, गली गली यहाँ पे अपना ट्रक आता नहीं है, तो ट्रक बाहर ही खड़ा है, अब इसी से या दूसरी दो गाड़ियाँ होंगी तो कंटिन्यू चल के अपना ट्रक होगा फुल, शाम तो हो जाएगी भाई यहाँ से निकलते निकलते। जा रहे हैं अभी खेत की तरफ क्योंकि खेत थोड़ी दूर है, यहाँ पे गाड़ी नहीं आती थी, तो गाड़ी का प्रोसेस पीछे ही है वहाँ पे, मतलब पैक करना, उसको टेप करना बॉक्स में, फुल प्रोसेस बताऊंगा भाई केला कैसे काटते हैं, कहाँ से क्या करते हैं और गाड़ी तक कैसे पहुँचता है। तो भाई ये है टमाटर की खेती, अभी टमाटर के पेड़ हो रहे हैं स्टार्ट, छोटे छोटे हैं भाई, यहाँ से टमाटर भी जाएगा, अब काफ़ी लंबा बाग भाई, वो सामने आ गया भाई केले का भी, आगे भाई केले के बाग पे देखो लगे हैं, अभी तो कच्चे हैं बिल्कुल, ऐसे ही ले जा रहे हैं भाई, देखो वो लेके जा रहे हैं ना के सामने से, तो यहाँ से बस मैं सोचा पेड़ भी काटते हैं पर नहीं, यहाँ से इसको पूरा काटते हैं ऐसे गुच्छे को, जो पक्के पक्के हैं थोड़े जिनको लगा लगता है पकने वाले हैं उसी गुच्छे को काटते हैं, ले जाते हैं चलते हैं मैं पास में, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पे बाइक पर, ये ले जा रहे हैं भाई, ये पक जाएगा जम्मू पहुँचने तक, ये देखो बनाना भाई, ए भाई तार लगाइए यहाँ पे ना, ऐसा कुछ यहाँ पे टमाटर का भी, मतलब यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा है ये होती है, देखो यहाँ पे भाई केले के गुच्छे काट, कहाँ गए भाई काटने वाले, उधर चले गए अभी, ये देखो भाई केले ही,
केले बनाना। तो भाई ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं भाई कट केले, देखो पीछे कलर नीचे बेकार वाले, उसको फेंक दिया साइड में ही। अब पूरा गुच्छा काटेंगे, गुच्छा वहाँ पे जाके गुच्छे को डिवाइड करेंगे, जैसे एक एक गुच्छा बनाएंगे छोटे वाले, फिर हो जाएंगे पेड़ उस पर पे, पेटी पे काटे काट रहे हैं। सही यार, मस्त है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया अभी, बताना आपको ये कैसा लगा। अभी दिखाएंगे वहाँ पे जाके कैसे कट करते हैं, केले को धोते हैं, उसके बाद बॉक्स में पैक करते हैं पूरा। अब चलते हैं भाई बाहर। यहाँ पे ना वो साइड पे यहाँ पे इसके छोटे छोटे जैसे गुच्छा है, इस गुच्छे को अलग अलग करके ना तो बना रहे हैं, उसके बीच पेटी के बीच कर रहे हैं। तो सीधी पेटी पहुंचेगी वहां से दुकान पे, फिर वहां से हम खरीद सकते हैं। तो अभी चलते हैं भाई सीधा गाड़ी पे ही, मतलब अपनी गाड़ी तो यहाँ से दूर है ना, 1 किलोमीटर दूर है। तो भाई वहाँ पे ही, फिर भाई आएंगे यहाँ पे, पहले यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे पर काफी कीचड़ सही है, ये पानी वाली जगह में ज्यादा होते हैं केले आई थिंक। निकलते हैं यहाँ पे आगे टमाटर, वही जाएंगे सीधा गाड़ी के पास। छोटी गाड़ी है पिकअप अपनी, यहाँ पे लोड हो रहा है। आगे भाई खाली करके वापस टर्न, फिर से जाओगे हैं? फिर से जाएंगे। अब हम आगे दिखाएंगे क्या कर रहे हैं बाकी। वो जा रहे हैं भाई, कीचड़ बहुत है, पूरी चप्पल भरने की कोई दिक्कत नहीं। वो देखो काफी मेहनत करनी पड़ती है भाई इसको पालना, और ये बिल्कुल कमजोर से होते हैं, ज्यादा हवा चलेगी गिर जाएंगे, तो बड़े ध्यान से भाई करना पड़ता है। मक्की की खेती तो भाई हमारी वहाँ पे होती है, ऐसे यहाँ पे पकी है, सेम ऐसी कंडीशन अपने घर पे भी है। अगर मैं जम्मू उतरा, वैसे उतरना ही है क्योंकि राजा भाई जाएंगे श्रीनगर, तो गाड़ी का करूँगा कन्फर्म, जो गाड़ी चलानी है परमानेंट। अगर बीच में एक आध दिन घर गए वहाँ पर, मक्की कटाई भी पापा उनकी हेल्प करनी है। वहाँ से आ रहे हैं पूरे, ऐसे देखो आप पूरे केले यहाँ पे इसको बांध के छोटे छोटे कर रहे हैं इनको, ऐसे जो बिकते हैं मतलब एक दर्जन, जैसे 6 पीस 15 पीस। उसके बाद पहले यहाँ पे धोया जा रहा है इनको, धो के फिर वहाँ से आगे पेटी पे पैक दिखाते हैं उसके पास से। देखो आप फुल प्रोसेस पे, फर्स्ट टाइम मैं खुद देख रहा हूँ। साइड में पाँव रखना पड़ेगा, गंदे ना हो जाए ये। ये देखो ऐसा कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, पानी में हो रहा है ना साफ केला, बिल्कुल केला धो रहे हैं। तो जो उसके ऊपर मिट्टी केमिकल जो बाहर होते हैं ना, कुछ भी गंद जो मक्खी वगैरह, क्योंकि आगे कोई भी हाथ लगाएगा पेटी में उसको सीधा कस्टमर के पास ही पहुँचेगा ना, तो इसे अच्छा के धोते हैं वहाँ से। तो चलो आ रहे हैं खेत से जैसे मर्जी निकले, जो गंदे हैं भाई जो क्वालिटी के नहीं है उनको भी बाहर निकाल रहे हैं, क्वालिटी के केले ही जा रहे हैं बढ़िया वाले। वहाँ तक पहुँचते जम्मू पहुँच पक जाएंगे 4 दिन में। वो हो रही हैं पेटियाँ लोड अपनी गाड़ी पर, छोटी गाड़ी पर जो अब जाएगी अपनी बड़ी गाड़ी पर। यहाँ पे हो रहा है वेट पेटी का, एक एक पेटी का कितना कितना वेट हो रहा है, किसी का कम ज्यादा जैसे भी है कर रहे हैं एडजस्ट। तो यहाँ पे लास्ट फाइनल इसके ऊपर वो लग रहा है टाइट करने वाला, बांधने वाला पेटी। ये बढ़िया महेंद्र भाई करवा रहे हैं लोडिंग, भाई बढ़िया बढ़िया करवाना अभी कर रहे हैं। यहाँ से अभी दूसरी गाड़ी में माल शिफ्ट होगा, काफी मेहनत करनी पड़ती है यार, काफी हार्ड वर्क है। और ये मशीन चल रही है वो छोटे जनरेटर से टाइट करना, बढ़िया रहता टाइट हो जाए ना, हाथ से इतना टाइट हो नहीं सकता, मशीन से बढ़िया हो रहा है। और भाई देखो काम करने का कितना फास्ट, एक मतलब ना हैबिट हो जाती है काम करने की, नहीं जल्दी जल्दी काम हो रहा है, मतलब अपने आप ही हाथ चल रहे हैं, अपने आप ही हाथ चल रहे हैं, अपने आप आ रही है पेटी। देखो अपने आप ही भाई भी फास्ट फास्ट कर रहे हैं सीधा गाड़ी पे, अब तो चल गया काम। अपने प्रोसेस पूरा केला लोड करने का कैसा कर रहे हैं, मतलब साफ सफाई से ही कर रहे हैं यार। वैसे केला कौन सा भाई ऊपर से खाना होता है, छिलका उतार के खाना होता है, फिर साफ सफाई जल्दी। अब तो काम फास्ट स्टार्ट हो गया, आई थिंक 2-3 घंटे में अपना काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेबर ला रही है, कट अपनी जगह हो रहा है, पीछे बॉक्सेस लोड हो रहे हैं अपनी गाड़ी पे, बाकी छोटी गाड़ी एक और गाड़ी आ रही है पिकअप, अभी 2 गाड़ी चक्कर लगाएंगे अपनी गाड़ी पे लोड होता रहेगा। उसके बाद हम करेंगे बढ़िया सा रस्सा तरपाल, और फिर अपनी करेंगे सफर तय, 3-4 दिन का अपना सफर रहेगा जम्मू पहुँचने तक कंटिन्यू वाला। यहाँ पे पूरे बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं ना, पेटी हमने ये लाई थी, इसके बॉक्स बन गया भाई, अब सीधे श्रीनगर।
होती है तो फिर निकलते हैं, फिर जब अपनी गाड़ी में माल पलटी को फिर दिखाएंगे। अभी 3-4 चक्कर तो लगेंगे फिर अपनी पूरी हो जाए, क्योंकि बारिश का यहाँ पे मौसम है। जल्दी जल्दी हो जाए यार, फिर जल्दी जल्दी निकलेंगे, नहीं तो बारिश में माल गीला होने का, पेटी गीला होने का खतरा रहता है। 2 तरपाल करेंगे बढ़िया से, अभी देखेंगे किसी भाई को बोलेंगे, अपने महेंद्र भाई को कि तिरपाल करवा दो अच्छे से, तो भाई करवा देंगे तिरपाल। ये है ईश्वर की गाड़ी छोटी, यहाँ पे इस पर हो रहा है लोड। पता ना आपको भाई केले का भाग कैसा लगा और ये वाला कैसा लगा, कि कैसे होता है, मैंने फर्स्ट टाइम देखो, मैंने आपको दिखाया। सो देखेंगे, यहाँ से निकलेंगे, शाम को अगला सफ़र करेंगे। अभी ब्लॉग तो काफ़ी लंबा जाने वाला है और इंटरेस्टिंग भी जाने वाला है, आगे करते हैं अपना सफ़र तय, जल्दी जल्दी हो जाए। एकदम से ज़ोर से बारिश आ गई, उसकी वजह से सब काम रुक गया और अचानक से धूप आ गई। भाई ये तो समस्या बनी रहेगी, क्योंकि टाइम लगेगा अपनी गाड़ी लोड होने पे, तो वहाँ पे बैठे बैठे मेरे को भी तिरपाल ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मतलब आज हार्ड वर्क होने वाला है, क्योंकि माल ही ऐसा रहता है और भाई हवा चल रही है, रस्सा करो, एक तो होना जा वो पाइप करके उसके अंडर माल आ जाए तो भाई बात अलग है, ये माल भी ऊपर होना है। तो बस ये बारिश ना हो आज तो फिर काम चल जाएगा। अभी देखो वहाँ पे भी पीछे तिरपाल, मतलब ऐसे तम होता है ना, टेंट टाइप बनाने की कोशिश की जा रही है, टेंट बनाए फिर काम चलता रहे, काम ना रुके। तो भाई जा रहे हैं धीरे धीरे गलियों से बाहर गाड़ी पे, पहला ट्रिप है, मतलब पहला जो गाड़ी है वो पलटी होने के लिए। 300 पलटी के समथिंग आ गया, 250-300 के सेंटर में आ गया कुछ। भाई अपनी गाड़ी पे फट्टे वगैरह करेंगे, साइड तिरपाल निकालेंगे और करेंगे पेटी अनलोड। यहाँ से रिवर्स होके जाएगी उसके साथ। भाई खाली अपनी गाड़ी पे हो रहा लोड, अब खोलते हैं रस्सा और भाई खोल देंगे पाइपिंग। बारिश का भी कोई पता नहीं है, पर डाल देंगे आसानी से। एक तिरपाल नीचे पड़ा, ऊपर लाना थोड़ा मुश्किल, अभी हार्ड वर्क। केला हो रहा लोड, वो खेत उस तरफ है, वो उस तरफ, वहाँ से हम घूम के आए इस गाड़ी पे। हम करेंगे गाड़ी पे रेस्ट, खाएंगे खाना वगैरह। जाला खोल दिया, पाइप खोल दी, थोड़ी तो हो गई है लोड, मतलब तो बाइक की गाड़ी खा लो तो हमारे वहाँ तक हो जाएगी लोड बस। उसके बाद जैसी पूरी होगी फटोफट में तिरपाल करेंगे। इतना इतना ही माल आया, कुछ पेटियाँ एडजस्ट नहीं आ रही हैं, करेंगे पेटियाँ एडजस्ट। कच्चा केला ये तो आया था भाई, ये तो होगी गाड़ी खाली। अब देखते हैं शायद ट्रैक्टर आएगा इसके बाद, जो भी आता है बाइक का। मेरे को लगता है एक चक्कर और होगा तुम्हारी गाड़ी फुल, 2 चक्कर ट्रैक्टर के, 2 चक्कर इस गाड़ी के, 300 पेटी के समथिंग तो भाई ले आए। अभी गाड़ी चलेगी वापस लेने के, अभी जितनी जोर से बारिश है हम उठे एक बार भाग गए, जल्दी जल्दी तिरपाल किया ऊपर थोड़ा थोड़ा मतलब डाला, तो 2-3, 1-1.5 घंटे में गाड़ी हो जाएगी लोड। उसको अच्छे से करेंगे रस्सा तिरपाल। तो यहाँ से हम अंदर आए थे, वहाँ पेड़ है काफ़ी, गाड़ी लगेगी उसके लिए। हमने देखो पहले ही ना वो जैसे काटते हैं वो लेके रखी है, तो वो काटेंगे, रास्ता बनाएंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे आगे, फिर सफ़र करेंगे। तय भाई अभी ऑलमोस्ट गाड़ी लोड ही होने वाली थी, पर बारिश इतने जोरों शोरों से आ गई है भाई, क्या ही बताऊँ। देखो बाहर बारिश, तो अभी एक तिरपाल से रखा मालो कवर करने के लिए, वो भी लेबर वालों ने पकड़े रखा हुआ है यार, मुश्किल होगी। थोड़ी देर नहीं आती, आधा घंटा, थोड़ा एक ट्रैक्टर का माल रह गया था सिर्फ, कोई 100-120 बॉक्स रह गए थे कम, वो अगर हम एक बार बड़े वाले तिरपाल कर लेते उसके बाद जितनी मर्जी बारिश होती हमारी गाड़ी यहाँ से निकल जाती ना। क्योंकि अभी मैं सो गया था रात को तकरीबन 11 के बाद गाड़ी चलाऊंगा, 11-12 बजे राजा भाई सो जाएंगे, फिर सुबह 4-5 बजे लगातार मेरे को ही चलना है, तो मैं 2 घंटे आराम से सो रहे थोड़ा ना, फिर 5 बजे रुकेंगे, 5 बजे देंगे राजा भाई को गाड़ी, तब तक नींद भी बहुत आई होगी, फिर करेंगे वीडियो एडिटिंग। ओ भाई क्या बताऊँ, पूरा हाल भीग गया, और देखो माल भी थोड़ी सी रह गई, लास्ट चक्कर गाड़ी आ गई है, बाकी तो तिरपाल हमने कर दिया, अभी ना फिट नहीं किया, थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे आगे पीछे करके पहले। तो भाई अब तो फिर बारिश, देखो बारिश लगी हुई है, अभी आपको दिख रही होंगी बूंदे थोड़ी थोड़ी, और धूप भी पीछे पीछे आ रही है भाई। आगे तिरपाल लेके बस ये लास्ट चक्कर है इस गाड़ी का, देखो पानी कितना खड़ा, एक भी बॉक्स में पानी लगे व्यापारी बाद में पैसे काटेगा, कोई फायदा नहीं। बस निकलेंगे यहाँ से, वो बाहर रोड है, पता नहीं जाएंगे कहाँ कहाँ से, पर चप्पलें अपनी यहीं उतार रही, क्योंकि यार स्लिप होने का खतरा रहता है गाड़ी के ऊपर से, थोड़ा थोड़ा ध्यान से जो भी रस्सा अपने बाइक करते हैं ट्रक वाले भाई, थोड़ा ध्यान से करें। अब वो आ गई गाड़ी, छोटी छोटी बारिश लगी यार, पे हो गया काम ख़त्म, सारे लेबर चली गई गाड़ी पे, लास्ट चक्कर चला गया। मैं आए थे लेने के लिए केले जो आगे बांधेंगे और पीछे बांधेंगे गाड़ी के, ताकि पुलिस वाले परेशान ना करें, यहाँ से पत्ते भी ले लेंगे थोड़े से। होगी भाई ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी लोड, लास्ट लास्ट हो रही है, ये रह गए बॉक्स, तो हो जाएगी पूरी, फिर हम करेंगे तिरपाल और हमने पत्ते और केले लाए बांधेंगे गाड़ी के आगे, पत्ते पीछे लगाएंगे,
कृपाल का सपना हो रहा है, मैं लगा रहा हूँ केले आगे, तो ये गाड़ी जा रही है लेबर वाली। उस छोटी गाड़ी से मैं भी आ गया क्योंकि आगे पेड़ थे जो गाड़ी पे लग रहा है, गाड़ी की हाइट भी 2-3 फीट ऊपर हो गई है। अपने तरफ से तो भाई पेड़ काट दिए और जा रहे हैं, वो लेबर वाले कर रहे हैं रस्सा तरपाल। तरपाल हो गया होगा फिर निकलते हैं। अगर वहाँ एक ही जगह थोड़ी प्रॉब्लम देने वाली है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे एक वायर है, मतलब पता नहीं कौन सी है, शायद वाईफाई की ऐसा कुछ वायर, उसको ऊपर करना पड़ेगा, फिर गाड़ी निकलेगी अपनी। तरपाल हो गया होगा फिर निकलेंगे। ऑलमोस्ट भाई तरपाल अपना हो गया, थोड़ा ही रह गया भाई इतना सा, बस फिर डाला करेंगे बंद, फिर निकलेंगे, फिर निकलेंगे कश्मीर के लिए। और यहाँ पे तो कश्मीर में मौसम एक ऐसा, मैं नहीं कह सकता कश्मीर में ठंड है, यहाँ पे भी तो ठंड है। ओह पत्ते भी लगाएंगे अभी हम, पत्ते यहीं पड़े अभी, आगे केले भी बांध रहे हैं। फाइनली भाई होगी गाड़ी अपनी फुल लोड, पीछे तो केले और पत्ते लगा दिए, बस आगे लगाने थोड़ी देर के बाद। गोइंग टू कश्मीर भाई। तरपाल बताना कैसा हुआ, दो भाई भाई ने किया मिलके भाई, मस्त तरपाल किया। स्टार्ट गोइंग टू कश्मीर, तो बस अब निकलते हैं, तो निकलते हैं बस रास्ते है। पर एक जगह थोड़ी है आगे निकालते हैं, वहाँ रुकते हैं बाहर, वहाँ लेते हैं शॉर्ट आराम से ना, तो गंदी जगह निकाल लेते हैं, वो पेड़ वाली जो है यार, टेंशन खत्म हो जाएगी ना फिर हमको, फिर केले भी बांधना आगे। भाई का रूम भी तो बाहर ही है इधर, साथ में कहीं उधर है बाहर, हाँ तो वहाँ चलते हैं रूम के पास। लेबर का रूम, यहाँ से बिल्टी वगैरह मिलेगी ना, पीछे केले लगा दिए थे, नेक्स्ट सामने लगाए, क्योंकि भाई ऐसे केले लगाएंगे तो बॉडी पे दाग पड़ता है भाई, तो इसको ना कवर लिफाफे में बांध के फिर केले को बांधेंगे भाई, गए लेने के लिए, बिल्टी मिलेगी एक बार, कांटा करवाएंगे, फिर अपना सफर हो जाएगा तय। गाड़ी तो भाई ओके होगी अपनी, निकल रहे हैं जल्दी जल्दी से। केले कोड़े लगा दिए आगे, आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में व्यू पूरा गाड़ी का मिलेगा कि आगे पीछे केले बांधते हैं, मस्त लग रही है। तो यहाँ से निकलने वाले हैं भाई, इनाम लग गया अपना 4,400 रुपया, मतलब 4,100 रुपया इनाम है अपना, मतलब गाड़ी अगर टाइम पे पहुँचाते हैं। और मंडी है 4 दिन की, सफ़र है 300 किलोमीटर के आसपास, 300 तो अंदर रात में निकाल लेते हैं, 3,000 के आसपास अब निकलेंगे जस्ट। बस आगे थोड़ा रास्ता यहाँ से कुछ देर 20-25 किलोमीटर जा सकते, बहुत ही सिंगल और गंदा रास्ता है, फिर एक बार कांटा हो जाएगा, वहाँ से निकलेंगे शोलापुर, शोलापुर से फिर सीधा तुलजापुर, आगे 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 फिर सफ़र हो जाएगा तय। देखते हैं फिर जम्मू जाके क्या बनता है, देखता हूँ मैं श्रीनगर जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी दूसरी चलानी है। और कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि भाई तू कभी ये गाड़ी नहीं आता, ये गाड़ी भाई, क्योंकि जो बंदा गाड़ी सीखता है वो हर बंदा समझ नहीं सकता, जो बंदा गाड़ी सीख रहा है ना उसने कल को चलानी भी है। तो भाई आगे पड़ो बम्पर में यार, आगे पड़ो बम्पर भाई ऊपर, मेरे को भी देना, मेरा रह गया था तो मेरा चाकू आगे रह गया। वही है कि गाड़ी तो चलानी है, कल को अभी पैसे जोड़ूंगा, तो राजा भाई के साथ जुबेर भाई आए नहीं थे तो मैं आ गया, मैं चलो चक्कर लगाते हैं कल को, एक साउथ लाइन थोड़ा बंदे को एस्टिमेट लगा था। अब जम्मू चाहे मैं 5 दिन रुकूंगा, 6 दिन 10 दिन 20 दिन गाड़ी करेंगे फिर आएंगे भाई। आ गया छोटा सा बॉर्डर ये, अभी हम गए कर्नाटका और जस्ट वेट, हम पहुंच गए महाराष्ट्र। क्यों भाई ये महाराष्ट्र आ गया ना, अब भाई यही था ना कर्नाटका, हाँ तो अब आगे जाना है, कांटा करवाएंगे फिर सीधा शोलापुर निकलना हमको यहाँ से पहले। ये देखो रास्ता कैसा भाई, जंगल जंगल सिंगल रास्ता। अब सफर होने वाला स्टार्ट, लास्ट कांटा करवाना था, कांटा हो रहा है गाड़ी का वेट, किसी बार भी ऐसे ओवरलोड का मसला सब कुछ नहीं है, अंडरलोड गाड़ी है, मस्त जाएगी। तो देखो भाई आगे से कैसी लग रही है, 2-3 केले के लगाए मैंने, ये और ये, सुबह बताऊंगा पूरा व्यू पिक्स वगैरह। अब यहाँ से ये रास्ता जा रहा है सीधा शोलापुर, हम जाएंगे पहले शोलापुर, वहाँ से सीधा तुलजापुर निकलेंगे, तुलजापुर जम्मू पंजाब ढाबा है अपना, तो वहाँ पर खाएंगे खाना, निकलते हैं अभी 11 बजे तक भाई चलेंगे, उसके बाद मैं चलूँगा फिर फुल नाइट, सुबह 4 बजे तक 4 बजे करेंगे ब्लॉक एंड। तो चल रहे हैं भाई कंटिन्यू, तब से शोलापुर क्रॉस कर दिया, अभी जा रहे हैं सीधा तुलजापुर आने वाला है, तुलजापुर रहेगा 26 किलोमीटर, वहाँ पे पहले ढाबा ढूंढेंगे, आते हुए खाना खाया था पर करेक्ट याद नहीं है काम पे, वो देख देख के पहुँचेंगे अपना जम्मू पंजाब वैष्णो ढाबा है, वहाँ पे खाएंगे खाना, फिर तो वहाँ से निकलेंगे आगे, क्योंकि आज तो फुल नाइट चलना है आज,
चाह के भी रुक नहीं सकते। चलो के सेम में था, फिर हम 2 घंटे सो जाते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि 4 घंटे की मंडी है और 4 घंटे में और 4 दिन की तो पहुँच जाएंगे फिर तब तक आराम से, क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है। जो मेन रास्ता था वहाँ पे गार्ड गिरा हुआ है, कुछ जाना हमको यहाँ से, हम आए थे उसी गार्डों से घूम घूम के जाना पड़ेगा। आ गया भाई जम्मू का ढाबा, गाड़ी हमने लगाई वो पार, पार भी नहीं का था यहाँ पे भी नहीं का, सेम बंदे हैं पर जो यहाँ पे लड़के हैं थोड़े जाम चान है ना, हम इस साइड आके गाड़ी लगा के खाना खाएंगे, चाय पियेंगे मस्त, फिर भागेंगे, फिर भागेंगे, फिर राजा भाई सोएंगे, हम भागेंगे यहाँ से, हम टॉफ़ी वगैरह कुछ ले लेंगे सेंटर फ्रेश ऐसा जिसे नींद ना आए। आ रहा है भाई अपना खाना भी, दाल और रोटी सिंपल ही, दाल भी आ गई रोटी भी, खाना खा के सीधा मिलते हैं गाड़ी पे यार। खाना पीना भाई अपना हो गया, अब निकलेंगे आगे। तो भाई वो भी न्यूज़ में भी देख रहा था वो लड़के को जिसको 16 साल के लड़के को वहाँ पे मार दिया यार, गलत है मतलब, चलो जो भी था वो गया, कम से कम जब आपको एक्शन लेना कम से कम पुलिस को बोल दो यार, पुलिस अरेस्ट करवा दो बंदा, आगे लीगल एक्शन ले लेते हैं, मारने की कौन सी बात हो जाती यार। और भाई ताड़ी एक खासे लगती, मतलब ताड़ी एक खासे नहीं बजती भाई, गलती उतनी लड़की की होती है, और उन्होंने लड़की को कुछ बोला नहीं, अगर वो उससे मिलने गया था लड़की से तो कहीं ना कहीं तो लड़की ने बुलाया ही होगा ना, तभी वो गया से अपनी मर्जी से, कोई नहीं जाता भाई यार, गलत है। उसकी 4 बहनें भाई यार, दुख लगता है ऐसा यार सुन के, कम शर्म भी नहीं है लोगों को यार, मतलब वही बात होती है ना, आप कम से कम अपने घर में जिसने बुलाया उसको भी तो कुछ बोलो ना, शैम होनी हो यार, मतलब शायद से यूपी में हुआ, मैंने इतना पूरी न्यूज़ देखी नहीं, पर यार जिन लोगों ने ऐसा किया ना शर्म आनी चाहिए उनको यार, मतलब उनके घर में भी बेटे हैं, अब उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी, मतलब 16 साल का लड़का यार, हाँ भाई क्या ही बोले यार, करते हैं भाई अपना सफ़र था भाई, ऐसी न्यूज़ सुन के ना कसम से दिल में कुछ होता है यार, मतलब चलो उसे छोटा सा लड़की से मिलने चला गया, उसके घर में उसकी गलती थी, माना उसकी गलती थी यार, बचपना उसने कर दिया, कम से कम समझाओ, लास्ट एक एंड अगर लड़की उसे बात करती है उसे शादी करवा दो, नहीं करवानी एक बार समझाओ, पुलिस को दे दो, या मारने वाली कौन सी बात होगी, मार के फेंक दिया यार, हद है, 4 बहनों का भाई था यार। तो भाई अब सफ़र हो गया स्टार्ट, मतलब फिर से खाना खाना खा के आराम से प्रॉपर 60 की स्पीड में चलेंगे, मतलब कंटिन्यू चलेंगे 60 की, आराम से मंडी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, पर 50 की चलो तभी मंडी हो जाती है, हम 60 की चलेंगे क्योंकि भाई खड्डे खुडे हम आराम से निकलते हैं ना फिर मस्त तरीके से, रास्ता भी आपको पता है भी गार्ड एक टूटा हुआ था उसकी वजह से, फिर मास्क चलने का हमारी थोड़ी लाइट कम है भाई, 2 लाइटें फ्यूज में, टाइम नहीं मिला ठीक करवाने का, अब भाई करवाएंगे श्रीनगर जाके, हम तो रुकेंगे जम्मू, देखते हैं कौन सी गाड़ी, 16 मॉडल गाड़ी है उसकी बनती है बात, तो बेस्ट है फिर हम दोनों साथ में आएंगे, फिर वीडियो से ऐसी बनेगी ना मस्त वाली। तो भाई चल रहे हैं अभी भी, टाइम बच गया 1 और हम पहुँच वाले भीड जगह का नाम है, वहाँ से आगे हम ले लेंगे, फिर हमारा हाईवे आ जाएगा सिंगर रास्ता, टूटा फूटा जालना सैलोड वगैरह, तो यहाँ पर रहते हैं उनको तो मालूम ही होगा, मैंने अपनी स्पीड ना कम की ना बढ़ाई, प्रॉपर 60 पूरा फिक्स 60 चल रहे हैं। ये भाई लाइट आती है भाई क्या मस्त रोड दिखती है, फिर उसके बाद फिर हम दे रहा, फिर हमें उम्मीद रहती है कि आगे फिर लाइट आने वाली है, अभी चल रहे हैं भाई मस्त मस्त, और भाई सो गए, भाई को बोला आप सो जाओ, सुबह 5 बजे तक मैं चलता हूँ कंटिन्यू, 1 से लेकर 5 घंटे लगातार, उसके बाद मैं करूँगा वीडियो एडिटिंग, आप फिर चलाना गाड़ी, फिर मैं सोऊंगा 2-3 घंटे के लिए। अभी बज रहे हैं 2 और जो हमारा सिंगल रास्ते वाला काट है हाईवे वाला, मतलब वो आने वाला है 25 किलोमीटर के बाद, फिर हमको 4 लाइन छोड़ देनी है, फिर सिंगल है, फिर रात पूरी सिंगल, कल दिन तक 4 लाइन फिर से मिलेगी, फिर सावधा जो आते हैं अपने गार्ड वगैरह देखे सब वापस उतरेंगे हम, अपनी स्पीड फुल मेंटेन 60, ये नहीं है कि 60 से कम नहीं आ रहा, ऊपर जा रहा हूँ 60-70 सीधा जाता हूँ, रास्ता सीधा आता है, थक गया हूँ वैसे यार चला के ना, थोड़ा अभी चाय पीऊँगा फिर चलेंगे भाई, आराम से सोएं यार, उनकी नींद पूरी हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं है। तो अभी भाई भी उठ गए, तो गए रास्ता पूछने के लिए क्योंकि यार एक बार कन्फर्म किया ठीक होता, अभी 2:30 बज रहे हैं, अगर कहीं गलत रास्ते में घुस गए चोरी होगी तो फिर जाएंगे उसी रास्ते से, पर पूछना अगर उसके अलावा कोई और रास्ता हो, एक तो कंगन गार्ड था वो गार्ड पूरा बह चुका है, वो रास्ता है नहीं, उसके अलावा ही जिस रास्ते है उसी रास्ते जाना पड़ेगा, एक बार पूरा कन्फर्म हो जाए फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे भाई रुके तो एक RJ नंबर गाड़ी से साथ हो गया, 2 गाड़ियाँ इनके साथ करेंगे अब साथ, अपनी जाएगी रानी साथ साथ में, एक एक गाड़ी लेलैंड, दोनों लेलैंड टाटा का साथ निकलते हैं, टोल के पास रुके थे भाई, बज रहे हैं सुबह के 4, अभी भाई उठ के अब चलाएंगे भाई हम, अब सोएगा कहाँ भाई, अब थोड़ी देर पहले एडिटिंग करेगा, 5 बज जाएगा उसके बाद सोएंगे 2 घंटे, फिर भाई ऐसे टर्न बाय टर्न ही करेंगे।
तो भाई मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर, बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, पूरा केरला लोडिंग वगैरह। तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग अनदर स्टेट किसी नई जगह में। अभी सोऊंगा, सुबह का ब्लॉग शुरू करूंगा भाई 7 बजे। भाई बस वाले जा रहे हैं टॉप टॉप, 7 बजे से उठूंगा तभी शुरू करूंगा। भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, आप सबकी सपोर्ट से 90K तो हो गए भाई, जल्दी जल्दी 100K करवा दो। एक ही खड़ा हो गया भाई। हाँ, अभी मैंने राजस्थानी एक भाई के साथ कर रहे थे तो वो भी यहाँ पे रुके हुए हैं, तो एक जा रहे हैं शायद आगे से। ठीक है फिर भाई, मिलते हैं अनदर वीडियो में।